What is up guys? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बूट कैंप में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हो, प्लस ऐसे ऐसे छुपने के जगह बताऊंगा जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी स्क्वाड डाउन कर सकते हो इजीली, वो भी अकेले। जी हाँ गाइस, मैं सीजन 8 कॉन्कर का प्लेयर हूँ, मेरे दोस्त लोग भी सीजन 8 कॉन्कर के प्लेयर्स हैं। हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट लोकेशन मदद किए कॉन्करर टच करने के लिए, और आपको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट लोकेशन मदद करेगी कॉन्करर लेवल टच करने के लिए। जी हाँ गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते। तो गाइस, इस वीडियो के दौरान आपको स्क्रीन के ऊपर स्पेस के फैक्ट्स दिखाए जाएंगे, तो इसे पढ़िएगा जरूर। तो गाइस, ये वाला सीन सबके साथ होता होगा कि यहाँ पे एक बंदा है और वो कंटिन्यूसली मुझे मारे जा रहा है, लेकिन जो भी पहले पुश करेगा वही मरेगा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले एम करना है और सीधा शूट किए जाना है। जैसा आप देख सकते हो, मुझे किल मिल भी गया इजीली विदाउट एक्सपोज हुए। तो अभी मैं आपको स्लो मोशन में बताता हूँ कैसे करते हैं। एक्चुअली में ये वॉल ग्लिच है। सबसे पहले एम करना है और सीधा शूट कर देना आपको इसी जगह, किल कन्फर्म। तो ये वाले रूम में सबसे खतरनाक वाला ग्लिच है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले रूम के अंदर आना है और आपके पार्टनर को इस तरीके से यहाँ पे क्राउच करके बैठने बोलना, और आपको यहाँ पे लेट जाना है और सीधा आपकी स्क्रीन को हिलाया जाना है। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको आपकी स्क्रीन को हिलाना होगा। ओके गाइस, मैंने अपने पार्टनर को पुश कर दिया है इस वॉल के अंदर। मैं आपको बताता हूँ बाहर जाके कि कैसा लगता है एक्चुअली में। जैसा आप देख सकते हो, दीवार के अंदर आ चुका है गाइस। वो एक ग्लिच, मतलब ग्लिच है, और वो ग्लिच के अंदर आ चुका है और उसे पूरी दुनिया दिख रही है वहाँ से, और आसानी से वो बाहर भी निकल सकता हूँ ग्लिच के थ्रू। अभी मैं खुद अंदर जाके आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में कैसा लगता है। मैं आप एक क्राउच करके बैठा हूँ और मेरा पार्टनर मुझे लेट के धक्का मार रहा है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो लेट के मुझे धक्का मारे जा रहे हैं गोल गोल। ओके, मैं अभी ग्लिच के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे पूरा का पूरा बूट कैंप दिख रहा है। मेरे पास स्कोप भी है अभी फ़िलहाल, तो मैं सब जगह देख सकता हूँ और फायरिंग भी कर सकता हूँ। मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दूंगा इसमें कि आप किल कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो, मैंने नॉकआउट कर दिया एक बंदे को, प्लस मुझे पूरी दुनिया दिख रही है, लेकिन उन लोग मुझे नहीं मार पाएंगे क्योंकि उन लोग को ये दीवार दिखेगी। मेरे सामने दीवार है, मैं आपको उतर के बताता हूँ यहाँ से उतरते कैसे। सिंपली आपको बाहर आ जाना है बस। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर तो दीवार है गाइस, कोई मुझे मार नहीं सकता। और गाइस, अब अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं हफ्ते में मुश्किल में एक ही वीडियो डालता हूँ। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको फ्यूचर में, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ओके गाइस, तो ये वाली ट्रिक सबसे मज़ेदार ट्रिक है। आपको आपके पार्टनर को बोलना है कि आपसे चिपक के खड़े रहे इस तरीके से, और आपको यहाँ पे लेटना और आपकी स्क्रीन एकदम फटाफट फटाफट हिलाया जानी है। जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट ट्राई कीजिए और आपका पार्टनर को बोलिए कि आपसे चिपक के खड़े रहने के लिए। तो गाइस, एकदम फटाफट फटाफट हिलानी है। ओके गाइस, आप जैसा देख सकते हो, मेरा पार्टनर को मैंने थ्रो कर दिया इतनी दूर, मतलब ऑलमोस्ट 70 मीटर्स तक मैंने अपने पार्टनर को थ्रो कर दिया इस ट्रिक के थ्रू, और उसकी हेल्थ ज़रा नहीं गई गाइस, ज़रा भी उसकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं गया, 1% का भी उसकी हेल्थ गिरी नहीं। अभी मैं अपने पर्सपेक्टिव पे बताता हूँ कि क्या होता है। मैं यहाँ पे खड़ा और मेरे पार्टनर ने थ्रो कर दिया। ओ भाई, यहाँ पे देखो मेरी हेल्थ ज़रा नहीं गई और मैं इतनी दूर तक आ गया गाइस। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, जो मज़ा आता है ना गाइस, बहुत हंसी आती है ये सब ट्रिक यूज़ करने में गाइस। आप भी एक बार यूज़ करो, मज़ा आएगा। तो गाइस, ये वाली ट्रिक मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक है। सपोज़ मैं एक रूम में जाता हूँ और एक बंदा मुझे मार रहा है वहाँ पे, तो सबसे पहले मैं राइट पीक लूँगा, उसके बाद एम करूँगा, उसके बाद राइट एनालॉग लूँगा और सीधा शूट कर दूँगा। तो गाइस, ये वॉल ग्लिच की वजह से मैं उसे मार सका। ये वॉल ग्लिच को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको स्लो मोशन में बताता हूँ। सबसे पहले राइट पीक लीजिए, उसके बाद एम कीजिए, उसके बाद राइट एनालॉग ड्रैग कीजिए, उसके बाद सीधा शूट कर दीजिए वॉल के थ्रू। ओके, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मैं नीचे जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक बंदा शूट कर रहा है मुझ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं प्रोन हो जाऊँगा, फिर उसके बाद एम करूँगा, फिर क्राउच का बटन दबाऊँगा, तो मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई। अभी वापस एम, क्राउच, शूट। भाई मैं गेम फिट कर रहा हूँ, मैं हैकर हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप, आसानी से नॉकआउट हो चुके हैं। अभी मैं सिंपली बताता हूँ, सबसे पहले एम कीजिए, उसके बाद क्राउच का बटन दबाइए, फिर शूट कर देना आपको उसी समय। तो गाइस वो आसानी से नॉकआउट हो जाएगा और इसमें आपकी 100% सेफ्टी रहेगी। ओके गाइस, तो आप बूट कैंप की मेन वाली बिल्डिंग में पुश करने जाते हो और पुश करते ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे और आप पे फ्री फायर किए जा रहे। तो इस सिचुएशन में आपको एक सबसे बेस्ट शॉर्टकट बताता हूँ। आपको इसके ऊपर आना है, विंडो के ऊपर यहाँ से आके यहाँ पे आ जाना है, फिर यहाँ पे आके सीधा आपको एनिमी को
गाइस इस तरीके से उन लोग ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कोई बंदा उनके पीछे से आ जाएगा, वो भी जस्ट एक सेकंड में। गाइस ऑलराइट गाइस, तो बूट कैंप की मेन वाली बिल्डिंग में पुश करने जाते हो, तो गाइस सबसे पहले पुश करने के पहले क्या करना होगा आपको मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट फ्लोर पे कितने बंदे वो मुझे पता नहीं, तो सबसे पहले मैं टेबल के ऊपर चढ़ूंगा और चढ़ के जम 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 मारते रहूंगा, और ये ग्लिच हो रहा है ना उसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितने बंदे। अभी मुझे पता है कि एक बंदा है, मैं प्री फायर करते हुए ही जाऊंगा। जैसा आप देख सकते हो ये जम जम करके मुझे ऊपर के लोग दिख जाते हैं कि कितने लोग हैं। गाइस ये ग्लिच है, तो ग्लिच का आप यूज कर सकते हो ऊपर कितने लोग हैं देखने के लिए। ओके गाइस, तो सपोज आपको ये वाले रूम में पुश करना है, तो मैं आपको बता दूं, सपोज आप पुश करने जाते हो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बंदे लोग ने कोना कोना पकड़ लिया, तो इसको कैसे क्लच किया जाए मैं आपको बताता हूँ। आपको ये वाली खिड़की पे आना है, ये वाली खिड़की से वहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा एनिमी, वहाँ पे उसे शूट कर देना है। फिर आपको ये वाली खिड़की पे आके जो दूसरा एनिमी दूसरा कोना पकड़ा होगा उसे भी आप यहाँ से आसानी से शूट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ, यहाँ से आप लिटरली हर कोना कवर कर सकते हो, हर का हर कोना, और आसानी से आप किल ले सकते हो दोनों का। ओके गाइस, तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पे रह के आप आसानी से कितने भी लोग को नॉकआउट कर सकते हो। आपको ये वाली जगह पे आना है, ये वाली जगह पे आपको पीछे से भी कवर मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कवर है, प्लस आपके राइट हैंड साइड पे भी कवर है इस दीवार का, तो कोई आपको मान नहीं सकता। सिर्फ आपको एक जगह ध्यान रखना है, सीढ़ियों पे, तो इसके थ्रू आप एक दो तीन कितने भी लोग को नॉकआउट कर सकते हो यह जगह पे रह के। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये वाले रूम में कैंपिंग का सबसे बेस्ट लोकेशन मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, फिर ये दरवाज़ा खोलना है, फिर दरवाज़ा खोल के जो जगह दिख रही है, जो जगह पे मैं जा रहा हूँ, जगह पे क्राउच करके आपको यहाँ पे बैठना है और गन इक्विप करनी है और रुकना है। जैसे कोई एनिमी आता है आप सीधा फायरिंग शुरू कर दीजिए। तो गाइस इस तरीके से आप आसानी से पूरी की पूरी स्क्वाड भी डाउन कर सकते हो ये लोकेशन से, आप पूरी की पूरी फायरिंग भी छोड़ सकते हो, उन लोगों को ज़रा पता नहीं चलेगा। तो गाइस मेन रीज़न पता है आपको क्या है, लोग बूट कैंप में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हॉट ड्रॉप अच्छा नहीं लेते गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट हॉट ड्रॉप जिसके थ्रू आप अच्छी खासी लूट भी ले सकते हो, प्लस सेफ भी बने रहोगे अनलेस अंटिल आप लूट नहीं लेते तब तक। तो आपको ये वाले बिल्डिंग में आने, जो बिल्डिंग में मैं लैंड कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे आने के 5 फायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फायदा, मैं आसानी से यहाँ पे लूट सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता, सब के सब बंदे लोग मेन बिल्डिंग को टारगेट करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि 3-3, 4-4 स्क्वाड एक ही बिल्डिंग में आती है, वो मेन बिल्डिंग में, वहाँ पे आके सब मर जाते गन फाइट में। तो यहाँ पे आने का क्या फायदा पता है, ये जो मेरे पीछे मैदान दिख रहा है यहाँ पे एक घर नहीं मिलेगा गाइस दूर दूर तक, तो कोई मुझे पीछे से तो मार नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आगे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड आसानी से लूट सकती है, 5 छोटे छोटे घर है यहाँ पे, अच्छी खासी लूट है गाइस 4 लोग के लिए। प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ आगे ध्यान रखना है मेन बिल्डिंग की तरफ, और यहाँ पे आपको इतना बड़ा पिलर दिया हुआ है, तो ये पिलर क्रॉस करके कोई भी नहीं आता गाइस, क्योंकि सबको पता है पिलर क्रॉस करने के टाइम पे आप फायरिंग नहीं कर सकते, तो उस समय आप किसी को भी किल आसानी से कर सकते हो। तो गाइस बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि पीसी सेटअप का वीडियो डाल, तो गाइस मेरे पास ऐसा कोई पीसी सेटअप तो इतना अच्छा खास है नहीं तो मैं वीडियो डाल सकूँ, तो मैं अपना मोबाइल कलेक्शन का आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो आप जो मोबाइल देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये सब मेरे मोबाइल से अभी फ़िलहाल, तो मतलब मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ कॉलेज के, तो मेरे पास इतना पैसा तो आता नहीं है कि मैं नया मोबाइल ले सकता हूँ। ये सब के सब फ़ोन सेकेंड हैंड लिए मैंने, मतलब बोलते ना कॉलेज लाइफ में, और मैंने एक भी फ़ोन गाइस बेचा नहीं दूसरा फ़ोन लेने के लिए। तो ये फिलहाल जो मेरा पुराना फ़ोन है जिसमें पबजी खेलता था, और ये नया वाला फ़ोन है, ये पहला फ़ोन है जो मैंने नया लिया, रेडमी K20 प्रो, वो भी यूट्यूब के लिए खास करके, ताकि मैं वीडियो अच्छी क्वालिटी के डाल सकूँ यूट्यूब पर, ताकि आप लोग मज़े से देख सको। और ये जो फ़ोन है गैलेक्सी S4 जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा है, इससे मैं वॉइस ओवर दिया करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इससे ही वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे फ़ोन है गाइस, ये सब के सब सेकंड हैंड फ़ोन है, मेरे पास नया फ़ोन लेने के इतने पैसे तो है नहीं गाइस वैसे। और ये जो फ़ोन है, ये इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। और ये वाला फ़ोन है वो जियो लाइफ का फ़ोन है, और ऐसे बहुत फ़ोन है गाइस मतलब। और ये जो K20 Pro और ये Note 5 Pro जिसमें मैं पहले खेला करता था, तो ये सभी मोबाइल को मैंने बहुत बहुत संभाल के रखा है, और ये मोबाइल मेरे जान से भी प्यारे है, अभी क्या बताओ आपको। ओके गाइस सुनो सुनो सुनो, एक मज़ेदार चीज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी आप जो स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हो, इतने अच्छे स्टार्स आप किसके साथ देखना पसंद करोगे, आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि कमेंट बॉक्स में मैं अभी सबसे पहले लड़की का नाम लिखूंगा, वो लड़की कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपकी ड्रीम गर्ल या आपकी क्रश का नाम या आपकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम, कोई भी एक लड़की का नाम लिखे वहाँ पे, प्लस आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, जैसे कि उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी स्माइल या उसकी पर्सनैलिटी। ये चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही आपको आपका लिखना होगा। और सेम गोज फॉर गर्ल्स,
अगर कोई लड़की देख रही है इस वीडियो को तो प्लीज आप भी इस चीज को फॉलो करो, बहुत मजा आएगा कमेंट्स में गाइस, लेट्स एंजॉय। ऑलराइट, तो बेसिकली बूटकैंप का वीडियो पहला वीडियो था मेरा शैनॉग पे, तो ऐसा मैंने सेम टू सेम जो अपने बूटकैंप में देखा ऐसा सेम टू सेम मैंने वीडियो कोचिंग के ऊपर डाला है, नोवो के ऊपर डाला है, मिलिट्री बेस के ऊपर डाला है, जॉर्जापुल कंटेनर्स के ऊपर डाला है, जॉर्जापुल सिटी के ऊपर डाला है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड मैंने बहुत सारे वीडियोस कर दिए। पहली बार मैंने शैनॉग के मैप के बेस पे मैंने बूटकैंप को चूज किया ये सब वीडियोस बनाने के लिए। अगर मुझे 7 लाख व्यूज आते हैं गाइस, तो मैं ऐसा पैराडाइज के ऊपर भी बनाऊंगा, प्लस रुइंस के ऊपर भी बनाऊंगा, पाइनान के ऊपर भी बनाऊंगा, डॉक्स के ऊपर भी बनाऊंगा। तो प्लीज गाइस, जितना हो सके उतना आपके दोस्त लोग को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि 7 लाख व्यूज टच हो सके, तो मैं आगे आगे इस पे वीडियो बनाऊं, पैराडाइज, पाइनान, रुइंस। गो ऑन गाइस, शेयर इट।